हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग जो हैं अपने फिजिक्स की अगली कड़ी में जो लोग पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ का प्रूफ हो चुका है, साथ साथ करंट डेंसिटी और उसका जो डिफरेंट रिलेशंस है, रेजिस्टेंस का वेरिएशन, कई चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ ही टॉपिक के चैप्टर बाकी है, लेकिन अभी जो टॉपिक बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल क्या होती है, उसके जो वेरियस रिलेशन हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, वो है फुटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है और इस पर थ्योरी एग्जाम में, बोर्ड में या कंपटीशन में हर जगह पूछी जाती है। चलिए हम शुरू करते हैं। और तो आज शुरू किया जाएगा पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस मीन्स, अगर ये पूछा जाता है रेजिस्टेंस क्या होता है एग्जाम में आता है, तो चलो भाई अगर बिल्कुल नहीं आ रहा आपको, आप पढ़े हो वी इक्वल टू आई आर, बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड एट द एंड ऑफ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। लेकिन वास्तव में जो उसकी थ्योरेटिकल डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है द पैरामीटर्स व्हिच आर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एनी मीडियम। ठीक है, मीडियम देखिए, मीडियम में चाहे आपका कंडक्टर है, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे जैसा ट्यूब है, चाहे आपका एयर है, जो मीडियम है उस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक करंट के जो पैरामीटर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करेंगे, ऑल द पैरामीटर्स आर नोन एज क्या हो गया, नोन एज रेजिस्टेंस। उसका जो कंबाइंड होगा पूरा हमारा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। चलिए तो इसके बाद क्या देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जोड़ते क्यों भाई, देखिए कोई चीज पढ़ने क्यों कर रहे हैं ऐसा, व्हाट द पर्पज। ठीक, आगे में पढ़ेंगे सेल कॉम्बिनेशन, सेल को जोड़ते हैं, व्हाट द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, उद्देश्य क्या जोड़ने का हमारा है, वैसे पढ़ लिया नंबर लाना है नहीं, सब कम क्या, सबके एक पर्पज होते हैं, हमको देखना है उसका रियल लाइफ में क्या उसका यूज है, जो पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या देखना है उसका रियल लाइफ में क्या हमारा उसका यूज है। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिंपल इतना है, जैसे वाले क्या है, हमको वेरियस वैल्यू की चाहिए रेजिस्टेंस, जैसे हम क्या मुझे 25 ओम चाहिए, 27 ओम चाहिए, 47 चाहिए या 90 चाहिए, इस टाइप से जो डिफरेंट पैरामीटर। लेकिन जो जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो रेजिस्टेंस क्या है उसकी एक फिक्स वैल्यू, जैसे क्या है 100 ओम है, 50 ओम है, 10 ओम है, ठीक इस टाइप में बनता है, हाँ, या किलो ओम में जाएंगे, सभी रेजिस्टेंस नहीं उपलब्ध होते हैं। या अगर मान लीजिए क्या है, अगर मार्केट में हम कोई रेजिस्टेंस खरीद रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट अगर एक ही ओम के माने एक ही वैल्यू का ढेर सारे रेजिस्टेंस खरीदेंगे, सैकड़े खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए क्या है 10 ओम के आप 100 खरीद लिया, तो शायद क्या होगा वो आपका कास्ट में भी इजी पड़ेगा ना, सस्ता पड़ेगा, कई चीज दिखाया था चीज़ों के लेते समय, ठीक, जो क्या हो जो इकोनॉमिकली हमारा क्या हो जो चीप हो, इस कंडीशन पे। दूसरी बात क्या है, अगर मान लिया क्या है कि जिस रेजिस्टेंस की हमको आवश्यकता है, अगर वो रेजिस्टेंस वाले हमारे पास है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तो वहां पर जाता है कि हमको कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो किसी सर्किट में अगर हमको हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्या करते हैं जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस मीन्स व्हाट पर्पज क्या हो गया, टू इंक्रीज आर डिक्रीज रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्किट, वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे बाद सेल बात करेंगे, सेल के लिए सेल का कॉम्बिनेशन का और ही पर्पज होता है, वहां देखा जाएगा। फिलहाल तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, व्हाट इज पर्पज, वी आर टू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना, और टू इंक्रीज या डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
in the circuit they are combined with each other, each other, ठीक है ना। पहला का नंबर वन, पहला होगा नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। व्हाट इज सीरीज, सिंपल है, आपने टेन पढ़ा था, कोई नया बात नहीं इसमें। मेन बात है इसकी न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। मेन क्या रहेगा, न्यूमेरिकल देखना होगा, बाकी आसान काफी। सीरीज माने क्या हुआ, तीन रिश्तेदार, तीन चार कुछ भी लिए, जो है तीन लें, क्योंकि दो बहुत कम हो जाता है, चार थोड़ा ज्यादा लगता है, कहेंगे तीन लिया था कि यहाँ क्या हो गया, कोई सेल जोड़ दिया इस कार से, यहाँ वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, करंट यहाँ I फ्लो हो रही भाई, देखिए वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो गया, टोटल डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3 डिवाइड हो गया। ध्यान रखिए इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो रास्ता एक ही है, अगर पाथ एक ही है, करंट हमेशा क्या होगी, सेम होगी। सबसे आसान तरीके पहचान जहाँ की कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या सब में सेम होती है, या जहां रास्ता नहीं बदलेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। बाकी और क्या होगा इसमें, वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, है समझ में। तब कितना आएगा निकालना, टोटल कितना है, इसको वैलेंट इसको वैलेंट कितना आएगा निकाल लीजिए भाई, क्या निकाल लेंगे, लेट लेट थ्री रेजिस्टेंसेज, लेट थ्री रेजिस्टेंसेज रेजिस्टेंसेज R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, विद एक्सटर्नल रजिस्टर क्या हो गया, सेल कुछ है वोल्टेज कितना हो गया, ईएमएफ या वोल्टेज कितना भी हो गया, सेल और वोल्टेज कितना भी हो गया, वोल्टेज बी हो गया इतना, ठीक है। क्या निकाल लेंगे देन, टोटल क्या हो गया, देयरफॉर टोटल क्या हो गया भाई, टोटल वोल्टेज, क्यों वोल्टेज बढ़ जा रहा ना, वोल्टेज हाँ एट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू आ गया कितना, V इक्वल टू होगा V1 + V2 + V3। देखो सर डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है या बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो लेकिन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, तीन सौ तक एक डेरिवेशन कर बने करें तो एक पूछ गया तो क्या करेंगे, जरूरी हो भी यहाँ पे आप बट फ्रॉम ओम्स लॉ क्या लेंगे, बट फ्रॉम ओम्स लॉ क्या आ जाएगा भाई, कौन सा जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होता है, करंट सब में सेम है IR1 है, V2 क्या हो जाएगा IR2, ठीक, एंड V3 क्या हो जाएगा IR3, ठीक है। देयरफॉर पुट इन दिस वैल्यू, मल्ले सारे क्या है सब मिलके इक्वेशन ही बना लिए, दिस इक्वेशन सेकंड हो गया, क्लियर हुआ। देयरफॉर फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम या पुटिंग वैल्यू ऑफ, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन वन क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3, ठीक है ना, ठीक भाई। कितना हो जाएगा, ये वेलपुर करो भाई, यहाँ पे आई कॉमन लीजिए, V = IR1 R2 + क्या हो गया R3, V/I कितना हो गया R1 + R2 R3, V/I देखो यहाँ V/I क्या हो जाएगा, सिंपल सा सिंस V = IR, अगर मान लीजिए क्या इनके स्थान पर एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल दिया जाए, कुछ है सेम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस R, V/I क्या हो जाएगा हमारा, R =
आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये टेन किया होगा क्या किया है, चलिए नो डाउट वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पैरेलल कंबिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए सेकंड डेरिवेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हाट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन लीस्ट, क्या होता है ऐसा दे देता है, प्रूव दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। अरे मान लो पहला क्या है, वो 1 ओम है, 10 ओम है, 1000 ओम है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 1 क्या, अगर 1000 है 1000 से भी ज्यादा होगा, क्लियर क्या स्टूडेंट ना, हैंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, गिवन रेजिस्टेंस इसको चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते आराम से, ठीक है। फिर क्या होता है, मान लो 10 ओम है, 20 ओम है, 50 ओम है, जोड़ी 50 से भी ज्यादा आएगा ऐसा, इसमें क्या होगा, इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट देन वी शुड कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके आई थिंक क्लियर, ओके भाई निकलिए जा रहे हैं इसको। अगला आपका आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगा समझिए, मिटाए इसको, चलिए मिटा दिए। पहले में क्या मान लिया, सपोज दैट वी हैव थ्री रेजिस्टेंस अगेन, फिर देखिए आर वन हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, आर थ्री होगी, ठीक है ना, कहाँ जोड़ दिया इसको लागे, जोड़ दिया सेल से, इस प्रकार से यह हो गया आर वन आर टू। देखो मैंने क्या समझा, हमको समझना इसके डिफरेंट टाइप के सर्किट बुझा जरूरी है, ठीक है, एक बोलते हैं सिंपल सर्किट, एक बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, हाउ आइडेंटिफाई गिवन सर्किट सिंपल सिंपल, कभी होता क्या है सर्किट सिंपल रहेगी देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगी, और कभी क्या सर्किट कॉम्प्लेक्स रहेगी देखने में सिंपल लगेगी, जस्ट यू थिंक इन योर माइंड, ठीक है, कि सर्किट कब रहेगी सिंपल कब रहेगी कॉम्प्लेक्स उसको बताइए, ठीक है। चलो मान ली वोल्टेज भी हो गया, करंट यहाँ चली आई, अब फिर देखिए ध्यान की आपके तीन रास्ते हो गए भाई, यहां से करंट गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई ना, बट बढ़ जा रही है तीन भाग में, ठीक, करंट मान लो कितना गई, यहाँ पे आई वन, यहाँ कही गई आई टू, यहाँ क्या हो गया आई थ्री, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या रहेगा वोल्टेज सेम रहेगा, ध्यान रखिए पैरेलल में ये सभी एंड जुड़े सेम पॉइंट से, वोल्टेज ऑलवेज सेम, जैसे करंट क्या होगा करंट इज डिफरेंट, ठीक, दिखा दीजिए लिख देना है क्या हो जाएगा, लेट सेम हो गया, लेट थ्री रेजिस्टेंसेज R1, R2 and R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है विद एक्सटर्नल पोटेंशियल वी, कितना हो गया एक्सटर्नल, कितना हो गया एक्सटर्नल पोटेंशियल वी, ठीक है, देयरफोर और करंट क्या है इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट सर्किट आर आई वन आई टू
एंड आई थ्री देयर फोर आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है ना, आई वन आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। नंबर वन लगा दिए फिर बट कहा जाए प्राण ओम सलाह लगा भाई ओम सलाह, पहले कितना हो गया बीक्वल कितना भाई बीक्वल हो गया आई वन आर वन, हमें क्या चाहिए आई वन चाहिए, देर फोर आई वन कितना हो गया बी अपान आर वन, ठीक। फिर क्या हो जाएगा सिमिलरली सिमिलरली आई टू कितना हो जाएगा बी अपान आर टू, एंड आई थ्री कितना हो गया बी अपान आर थ्री हो गया, ये पूरा मिलकर तीनों मिलकर क्वेश्चन मान लो दो हो गया है, कंबाइंड भी आ गया क्वेश्चन कितना हो गया टू, ठीक है भाई। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एन आई थ्री क्वेश्चन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। देयरफोर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन आई टू एंड आई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आर वन प्लस वी अपान आर टू प्लस वी अपान आर थ्री, यहां भी कॉमन ले लीजिए क्या मिला वन अपान आर वन वन अपान आर टू वन अपान आर थ्री, ठीक है। ये कितना हो गया और आई अपान बी कितना भाई आ गया वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू वन अपान आर थ्री, ये कितना होता है ये मानो वन बाई आर आ जाएगा, ये क्या वन बाई आर आ गया आर टू आर थ्री, ठीक है क्लियर हो भाई समझ में आ गया। अच्छा यहाँ ले क्यों इक्वल थ्री हो गया, यहाँ क्या ऐसा है सेम दिखाओ बी इक्वल टू कितना आई आर, इसको ध्यान ले आइए वन बाई आर इक्वल टू कितना होता है आई ए पान बी, दिखा ना क्यों कहाँ से आया दिखा दिया क्या, ठीक। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो एक आध इसमें जो थोड़ा जल्दी याद रहे सवाल करते समय इसमें ना क्लियर कर लिया नोट की फट से नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर टू रेजिस्टेंस, देखिए पहले याद रखिए क्या आगे स्टार लगा दिए सिंपल क्या नोट जिस टाइप का बोला क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर क्या हो गया फॉर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है सिंपल से दिक्कत नहीं हो जाएगा ना, अगर रेजिस्टेंस दो ही हमारे पास है इस टाइप से कितने हैं तो दो ही है, इक्वल कितना हो जाएगा यहां पे यहां इक्वल कितना हो जाएगा देखो फट से लेट टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर इन पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा वन बाई आर टूटना कौन सा वन बाई आर नहीं तो होता कोई दिक्कत नहीं है तो जानते भाई सर्व सत्य है ना चलो भाई है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आर वन आर टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे ना छिया कितना हो गया यहाँ पे आर टू हो गया प्लस आर वन हो जाएगा तो फॉर्मूला देखो ये दिया कर सकते हैं ना आर वन इंटू आर टू अपान क्या होता है किताब में जल्दी ही लिखा रहता है जल्दी से करने के लिए यही लिखा रहेगा ठीक है सही है। अगर मान लो यहाँ पे सपोज दैट एक पोजिशन बड़ा छोटा होगा ना कोई बड़ा और छोटा होगा ये धारक की थोड़ा और जल्दी करने के लिए कोई रेशन में छोटा एक बड़ा होगा लेट क्या मान लिया लेट मान लिया कि आर टू क्या है बड़ा है आर वन से तब क्या करेंगे अरे दोनों से क्या करेंगे आर वन डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा आर वन से दोनों डिवाइड कर दिए कितना हो जाएगा अगर दोनों से डिवाइड कर देंगे तो कोई बड़ा होगा इसमें ना तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाए हमारा एक
तो आर वन हटा दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देन हमारा आ जाएगा आर इक्वल टू आर टू हो गया, डिवाइड करवा बनते हैं आर वन बाई आर वन कितना मिल जाएगा वन प्लस क्या हो गया आर टू बाई आर वन क्या हो गया जिसकी वैल्यू बड़ी है ना बिगर रेजिस्टेंस, ठीक है, अपान क्या हो गया वन प्लस बिग रेजिस्टेंस ना बिग रेजिस्टेंस अपान क्या हो गया स्मॉल, थोड़ा जल्दी से आ जाएगा रेजिस्टेंस, थोड़ा जल्दी से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है नोट कर लीजिए, ये भी कहीं मैं लगाना हो सकता है जल्दी कहीं जहां पे हमको जल्दी सॉल्व करना होता है, फॉर एग्जाम्पल दिखाए थे एक प्रश्न ले लीजिए जल्दी से, एक सवाल नोट कर लिया इसको बिग रेजिस्टेंस अपान स्मॉल, इसे सवाल मान लीजिए हो गया टू रेजिस्टेंस थ्री ओम एंड नाइन ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है फाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है चलिए सॉल्व करिए भाई, लिख लिया इतना मिटाएं इसको मिटा दे रहे हैं बिजली को, ये फॉर्मल दिमाग बैठाइए कितना जल्दी सॉल्व करिए आराम से, देखो क्या दिया है अब यहाँ से लगाना है बोर्ड से लगा दो दिक्कत नहीं है, या याद रहे आर टू कितना है सी नाइन मालिक कंपटीशन में आपको सभी फैमिली की सभी जरूरत नहीं है, आर क्या होता है बड़ा वाला ध्यान रखिए हमेशा, अगर आर वन रहते हैं आर वन लगते हुए सीधे सीधे अपान कितना वन प्लस क्या हो गया आर टू बाई आर वन वही तो आए ना यहाँ नाइन आ गया प्लस कितना आ गया देखो वन प्लस नाइन बाई थ्री अच्छा कितना आ गया नाइन अपान फोर आ गया ना नाइन अपान वन प्लस थ्री आ जाएगा नाइन अपान फोर आ गया कितना प्लस गया इक्वल टू कितना आ गया नाइन बाई फोर या कितना आया टू टू या फाइव ना टू टू या फोर टू या टू फाइव हो गया आर इक्वल टू कितना टू पॉइंट टू फाइव ओम, ठीक है हम लोग करते क्या है हम लोग करते हैं आर वन टू आर टू करते हैं काफी लंबा ज्यादा ना क्या करते हैं आर वन टू आर टू करते हैं अपान आर वन प्लस आर टू करते हैं इंटू किया फिर डिवाइड किया थोड़ा लंबा हो जाता है, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं थोड़े शॉर्टकट हो जाता है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है बताते रहेंगे धीरे धीरे इससे कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी ओके ना।